तो आइए बढ़ते हैं खबरों के विस्तार की ओर। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के स्वायत्त शासी संस्था अयोध्या शोध संस्थान की ओर से जननायक राम का संदेश प्रसारित कर युवाओं को उनके आदर्शों से प्रेरित करने की भावना को लेकर प्रदेश के 16 जनपदों में रामायण कॉन्क्लेव के आयोजन का प्रस्ताव किया गया है। इस कॉन्क्लेव का शुभारंभ अयोध्या में रविवार को दोपहर 12 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। लखनऊ से प्रेसिडेंशियल ट्रेन से राष्ट्रपति कोविंद अयोध्या रेलवे स्टेशन दोपहर 11:40 बजे पहुंचेंगे। स्टेशन पर राष्ट्रपति की अगवानी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा रेलवे बोर्ड के अधिकारी भी करेंगे। यहां से राष्ट्रपति को सीधे रामकथा पार्क के कार्यक्रम स्थल पर ले जाया जाएगा। इस मौके पर राष्ट्रपति कोविंद संस्कृति विभाग के तुलसी स्मारक भवन के आधुनिकीकरण का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा रामायण सर्किट के अंतर्गत पर्यटन विभाग की ओर से प्रसारित बता दें कि प्रस्तावित यात्री बस अड्डा और लक्ष्मण सहस्त्रधारा पर नवनिर्मित घाट का भी लोकार्पण करेंगे। राष्ट्रपति कोविंद रामकथा पार्क में रामायण कॉन्क्लेव का अनावरण करने के बाद उबाद सरयू होटल में राम मंदिर निर्माण की तकनीकी प्रक्रिया का अवलोकन करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अयोध्या दौरा, रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया जाएगा। लखनऊ से प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करेंगे। तो वहीं रामायण कॉन्क्लेव के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति पहुंचेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। बता दें कि राष्ट्रपति कोविंद तुलसी स्मारक भवन के आधुनिकीकरण का लोकार्पण भी करेंगे। पर्यटन विभाग की ओर से प्रस्तावित यात्री बस अड्डा का लोकार्पण किया जाएगा। तो वहीं लक्ष्मण सहस्त्र धारा पर नवनिर्मित घाट का भी लोकार्पण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया जाएगा और अयोध्या पर तैयार की गई बुकलेट का भी विमोचन होगा। सरयू होटल में प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया जाएगा, जहां पर प्रदर्शनी लगाई गई है वहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उसका अवलोकन करेंगे। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ये अयोध्या दौरा है, जिसको लेकर वो आज रामलला के दर्शन करेंगे।